हमें कोई टीचर नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, 12:30 बज चुके थे, हमें कोई पेपर नहीं मिला था। और हमसे क्या कहा जा रहा था, जितना लेट हो गए तुम उसके बाद तुमको उतना ही टाइम दिया जाएगा, जितना लेट पेपर मिलेगा उतना हम देंगे। अब हमने टीचर से बोला कि सर आप हमको पेपर दीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार कहा। हमारे साथ और भी बच्चे बोले, फिर कोई नहीं, फिर और भी जो बच्चे थे रूम के वो भी नीचे आए। बच्चों को कैसे ही पता चला, बच्चे यहाँ तक आ गए। यहाँ दोनों रूम में आराम से पेपर हो रहा था, आधा आधा पेपर हो चुका था, और यहाँ पे एक रूम में चार चार पाँच पाँच टीचर था। और ऐसे कर करके अगर कोई बच्चा अंदर जा रहा था उसको ऐसे करके रोक रहे टीचर कि नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा, पेपर से हाथ नहीं लगाएगा। बताइए आप ये क्या तरीका है, नहीं आप बताइए, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी लड़की होगी, आप किस तरीके से उसको वो कर देंगे, बताइए कितनी बार मौका देंगे आप उसे। और इतनी दूर दूर से हम आते हैं, 2,000 रुपए किराया लगा के अगली बार उनको मौका मिल जाएगा, जरूरी है। जब प्रिंसिपल पूरा पेपर आउट करा चुके तो क्या करेंगे फिर, वो बात ही करने के लिए तैयार नहीं थे यार, सीधा अधिकारी भी तो ये बोल रहा है कि वायरल हुआ तो तुम्हारे फायदे के लिए हुआ है। बताइए आप किससे बात करोगे, बताइए अधिकारी SDM, हाँ जो वायरल हुआ वो तुम्हारे लिए फायदे के लिए हुआ है, आप बताइए किससे बात करोगे आप।